गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि वोहरा, IVF कंसल्टेंट फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड्स. फाइब्रॉइड्स क्या चीज़ होती है, जिसको कि हम कॉमन टर्म्स में रसौली भी बोलते हैं. फाइब्रॉइड्स एक तरह की रसौली या एक बेनाइन ट्यूमर है जो कि यूट्रस के अंदर पाया जा सकता है. यूट्रस, सर्विक्स या आउटसाइड यूट्रस आल्सो वो पाया जा सकता है. तो ये होता क्या है फाइब्रॉइड? ये एक तरह की बेनाइन का मतलब होता है जो कि एक नॉन ट्यूमर है. ये ट्यूमर पर ये एक तरह का बेनाइन है, मीन्स ये स्प्रेड नहीं करता है, वो लोकेटेड रहता है एक जगह पर. तो उस कंडीशन को हम बेनाइन बोलते हैं, मीन्स वो कोई खतरनाक या जानलेवा चीज़ नहीं है, तो तब हम उसको बेनाइन बोलते हैं. मलिग्नेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ खतरनाक हो या वो स्प्रेड करे पूरी बॉडी के अंदर, या जैसे कोई ट्यूमर जो स्प्रेड कर जाए उसको हम मलिग्नेंट बोलते हैं. तो फाइब्रॉइड्स एक तरह के बेनाइन ट्यूमर्स हैं. तो ये जो, लेकिन फाइब्रॉइड इंपॉर्टेंट क्यों है इनफर्टिलिटी एस्पेक्ट से? बिकॉज फाइब्रॉइड्स दे लीड टू इनफर्टिलिटी, दे कैन बी द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि वो यूट्रस के अंदर जहाँ पर बच्चे ने ठहरना है, बच्चा यूट्रस के अंदर ठहरता है, और अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जो फॉरेनर है, जैसे फाइब्रॉइड होना यूट्रस के अंदर नॉर्मल चीज़ नहीं है, और वो यूट्रस के अंदर अगर हो तो दैट कैन लीड टू अबॉर्शंस या फिर इनफर्टिलिटी. हो सकता है कि बेबी ठहर भी जाए, लेकिन फाइब्रॉइड्स होने के कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर जाए. तो ये सब चीज़ें फाइब्रॉइड्स कर सकते हैं. इसीलिए फाइब्रॉइड्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिनको कि रिमूवल के लिए सोचा जा सकता है बिफोर अ पेशेंट इज़ ट्राइंग फॉर कंसेप्शन, और अगर उसके रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहे हैं. तो क्या कितने तरह के हो सकते हैं फाइब्रॉइड? ये तीन तरह के हो सकते हैं. एक जो यूट्रस की कैविटी के बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड. एक होता है जो कि सिर्फ वॉल ऑफ द यूट्रस में होता है, उनको बोलते हैं हम इंट्रामस्कुलर फाइब्रॉइड. और एक होते हैं जो यूट्रस के बाहर की तरफ होते हैं, जिनको हम सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं. तो सब म्यूकोजल जो कि यूट्राइन की कैविटी में होते हैं, और इंट्राम्यूरल जो कि यूट्रस की वॉल में होते हैं. ये दो तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी या रिपीटेड अबॉर्शंस का कारण बन सकते हैं. तो इसीलिए कोई भी IVF प्रोसीजर या रिकरेंट अबॉर्शंस के बीच में हम पेशेंट को मायोमेक्टमी, मीन्स रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड्स, उसके लिए बोलते हैं. मायोमेक्टमी का मीन्स होता है कि सिर्फ और सिर्फ फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया बच्चेदानी के बीच में से. तो ये एडवाइस किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिन जो IVF के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, स्पेशली अगर फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर से ऊपर है. अगर वो 3 सेंटीमीटर से ऊपर है, या रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, या रिकरेंट IVF फेल हो रहा है, या फिर फाइब्रॉइड जो यूट्रस की कैविटी के अंदर आ रहा है, ऐसे फाइब्रॉइड्स को रिमूव करने के लिए प्रेफरेबली रिमूव किया जाता है. ये रिमूवल अब कैसे होता है? या अगर वो यूट्रस की कैविटी के अंदर है तो हम उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली भी रिमूव कर सकते हैं. हिस्ट्रोस्कोपिकली मीन्स दूरबीन से, बच्चेदानी की अंदर दूरबीन डालकर हम उसको रिमूव कर सकते हैं. इसमें पेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर वो यूट्रस की वॉल में है तो उसको लैप्रोस्कोपिकली भी रिमूव किया जा सकता है. लैप्रोस्कोपिकली मीन्स दूरबीन से, जिसको हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं, तो वो उसके थ्रू भी रिमूव किया जा सकता है. कभी कभी फाइब्रॉइड एक बच्चेदानी के मुंह के ऊपर बैठता है, तो उन कंडीशंस के अंदर हो सकता है कि लैप्रोस्कोपिकली फाइब्रॉइड को रिमूव करना मुश्किल हो जाए. तो ऐसी कंडीशंस में हमें पेट खोलकर भी रिमूव करना पड़ सकता है. अगर फाइब्रॉइड बहुत डिफ़िकल्ट है, अंदर इम्पैक्ट हुआ पड़ा है पेल्विक कैविटी के, तो ऐसे कंडीशंस में ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है. तो फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे होता है कि मोस्टली 50% केसेस में फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पेशेंट इज़ कैरिंग फाइब्रॉइड्स. पेशेंट जस्ट कम्स विद इनफर्टिलिटी, हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और उससे हमें पता लगता है कि उसके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं. लेकिन और क्या कारण और कैसे प्रेजेंट कर सकता है फाइब्रॉइड? 30% ऑफ द केसेस में फाइब्रॉइड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. पेशेंट को जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे उसका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो नॉर्मल से, या उसको पहले से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई हो, ये भी हो सकता है. तो एक इसको हम मीनोरेजिया बोलते हैं, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीड. और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? डिसमेनोरिया के साथ. डिसमेनोरिया मीन्स पेनफुल पीरियड्स. पेनफुल पीरियड्स भी एक तरह से हो सकता है प्रेजेंटेशन फाइब्रॉइड्स की. और क्या प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. जो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं. इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मींस इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग की शिकायत होना, जिसको हम स्पॉटिंग भी बोलते हैं. तो दे कैन प्रेजेंट एज मीनोरेजिया,
means excessive bleeding, dysmenorrhea means painful periods, और spotting, intermenstrual spotting. तो ये सब चीज़ों से फाइब्रॉइड प्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर किसी भी औरत को, किसी भी कपल को ऐसी कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर उनको रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो दे शुड गो फॉर द चेकअप बाय आइदर अल्ट्रासाउंड और डायरेक्टली विजिट देयर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन पर्सन. तो हम यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में ये फाइब्रॉइड्स की जाँच करते हैं. अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं. मैं यहाँ पर 9 to 5 मणिपाल हॉस्पिटल में बैठती हूँ. यू कैन कम एंड विजिट अस. थैंक यू.